हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। काफ़ी दिनों बाद बात हो रही है यार, तो सबसे पहले आप सभी कमेंट में ये लिख दीजिए कि आप सब कैसे हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पोस्टपोनमेंट को लेकर क्या अपडेट है। इसको लेकर काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए, काफ़ी सारे मेल्स भी मेरे पास आ चुके हैं कि सर इस पर आप अपने व्यूज दीजिए, आप इस पर एक सेपरेट वीडियोस दीजिए। लेकिन काम की वजह से यार मैं कोई भी वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। देन आज थोड़ा टाइम से फ्री हो गए तो सोचा इस पर बात कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे पोस्टपोनमेंट के बारे में, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड कब से आ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट, क्लासेस रेगुलर बेसिस पर हमारी चल रही है। 21 पार्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब 21 पार्ट में इंटू 30 कर दीजिए आप, तो इतने वीडियोस यानी कि 630 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी एंड इंग्लिश में आपको मिल रहा है। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश में डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है सुमन सुथार मैम की तरफ से, तो इनको मस्टली आप ज्वाइन कीजिए। एक हफ्ते में 3 वीडियोस मिलती हैं आपको सुबह 10 बजे, और ये वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, तो इन वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कोई भी सेपरेट डेट इसको लेकर नहीं दी है, ना ही सिटी ऑफ एग्जामिनेशन के अनाउंसमेंट को लेकर डेट दी है, ना ही आपके एडमिट कार्ड को लेकर डेट दी है। लेकिन पिछले 3 से 4 साल का अगर हम डेटा देखें तो आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जाम से 3 या फिर 4 दिन पहले जो है वो जारी किए जाते हैं। लेकिन आपका एग्जाम किस सिटी में होना है, उस सिटी की इंफॉर्मेशन आपकी 20 दिन पहले, ठीक है, बिफोर 20 डेज योर एग्जाम, 20 दिन पहले आपके एग्जाम से आपको बता दिया जाता है कि आपका एग्जाम कौन सी सिटी में होने वाला है। तो आपका जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है वह तो आपका 25 जून तक अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि 17 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो 25 जून तक आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम किस सिटी में होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आपके जो आएंगे मेरे अकॉर्डिंग 13 से 14 जुलाई के बीच ही आपको मिल पाएंगे, इससे पहले आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको सिटी पता चल जाएगी तो एक अच्छा पॉइंट रहेगा आपके पास, आप उसके लिए जो है वो पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हैं कि किस सिटी में मेरा एग्जाम है, तो मेरी कनेक्टिविटी वगैरह ये सब कैसा रहने वाला है। वो बात करें पोस्टपोनमेंट के बारे में, 2019 से ये शुरू हुआ है, जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। उस टाइम पहली बार स्टूडेंट्स ने बोला था कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि कोविड था। उसके बाद से स्टूडेंट्स ने लाखों करोड़ों ट्वीट किए, लाखों रिक्वेस्ट भेजी, पीएमओ को भेजी, एनटीए को भेजी, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। एनटीए ने या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने या फिर गवर्नमेंट ने, उन्होंने वही किया जो उनको सही लगा। तो आप इसमें अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ना ही वीडियो बनाने में जो भी यूट्यूबर वगैरह है, ना भी वीडियो बनाने में टाइम वेस्ट कीजिए, उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप वीडियो देखने में टाइम वेस्ट ना कीजिए। पिछले साल मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी, उनका भी कोई मीनिंग नहीं निकला। अब की बार भी जो वीडियोस बन रही है उनका भी कोई भी मीनिंग नहीं निकलने वाला। आपके ट्वीट करने से, आपके बोलने से कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन नहीं करेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम कैसे करवाना है वो डिसाइड करेंगे, ना कि आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, उनके लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स उनके पास हैं, तो वो डिसाइड करेंगे कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाना है और किस डेट को करवाना है। आपके हिसाब से एग्ज़ाम नहीं हो सकता। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए 2 मंथ एग्ज़ाम डिले भी कर देना, वो फिर भी बोलेंगे यार टाइम कम मिला है एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादा टाइम दिया जाए। तो जितना टाइम मिला है उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए अपनी प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन अच्छी कीजिए। अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो यार एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर आपने पूरे साल पढ़ा है तो एक दिन से कुछ नहीं होने वाला, अगर आपने पूरे साल नहीं भी पढ़ा है तो भी एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। तो इस कहावत के बेसिस पर रहिए, अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली जो है वो क्रैक होने वाला है, अगर किसी ने शिद्दत के साथ तैयारी की है तो। तो ये रही इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट रहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, संडे को उस पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी और आप कैसे हैं वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।